श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अंगूर के बीज के तेल से आप अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। ग्रेप सीड ऑयल। अंगूर खाना सभी को अच्छा लगता है, इससे इसके अंदर ठंडक होती है, प्यास भी बुझती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंगूर के बीज के तेल से बाल घने होते हैं? अंगूर के बीज के तेल में विटामिन ए, सी, B6, फोलेट के अलावा कई प्रकार के मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सेलेनियम पाए जाते हैं। 100 ग्राम अंगूर में सिर्फ 69 कैलोरी, प्रोटीन वसा की मात्रा 0.3 ग्राम, मिनरल्स 0.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 16.5 ग्राम और फाइबर की मात्रा 2.9 ग्राम होती है। ये बालों के विकास में मददगार, रूसी की समस्या खत्म करता है, बालों को झड़ने से रोकता है। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सिर के रक्त के प्रवाह को सही रखते हैं, इससे हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि तेल बालों के विकास में मदद करता है। अंगूर के बीजों का तेल बालों में होने वाले पसीने, उसकी दुर्गंध को दूर करने के साथ ही उसे चमकदार, घना, मुलायम और लंबा बनाने में मदद करता है। अंगूर असमय बालों के झड़ने की समस्या को रोकता है। इसके बीज में मौजूद विटामिन ई और लिनोलिक एसिड बालों की जड़ों को मजबूत करता है, मजबूत बनाता है। साथ ही दुमोहे बाल, जो बालों को झड़ने की खास वजह है, उन्हें भी खत्म करता है। अंगूर के बीज के तेल से डैंड्रफ, सिर में खुजली की समस्या दूर होती है। इसमें मौजूद पानी की मात्रा सिर में जरूरी नमी की पूर्ति करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसको लगाना कैसे हो मैं आपको बता देता हूं। 4 औंस ग्रेप सीड तेल और 7 बूंदे लेवेंडर तेल मिलाकर बनाया जा सकता है। एक बाउल में 2 अंडे फोड़कर डालें, फिर इसमें 4 टेबलस्पून ग्रेप सीड ऑयल डालें, इसे अच्छे से मिलाएं, इसे अपने बालों में लगाएं और कुछ घंटों तक छोड़ दें। अब अपने बालों को पानी से धो लें, गीले बालों में ही नारियल का तेल लगाएं और इसे पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह अपने बाल को शैम्पू करें। पोषक तत्वों की कमी से आजकल डैंड्रफ, दोमुहे बाल, सफेद बाल और बालों के गिरने की समस्या बहुत आम बात हो गई है, लेकिन अंगूर के बीज के तेल को लगाकर इस समस्या को तुरंत निजात पाई जा सकती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।